रिकमेंड कर रहे थे कि यू नो यार मेरा सॉन्ग पे रिएक्शन चाहिए। आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं पहले बता चुका हूँ, 500 वीडियोस कंप्लीट हो चुके थे, तो मैं घूम रहा था, चिल कर रहा था थोड़ा सा, एंड इतना सारा रिकमेंडेशन तुमने भेजा तो मैं आ गया। और आते इसके ऊपर टूटे सीधा अपन, तो घुसते सीधा गाने के अंदर और पता लगाते बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब, जो भी लाइक वाइक तुमको पता है क्या करना है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, बातें कम करते हैं, घुसते सीधा अंदर, लेट्स गेट इन। मोनिका तो आएंगी मेरी जिंदगी, ये सीन अपने ट्रेलर में देखा था। आए, 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 क्या म्यूजिक है भाई। कैसे तुझे छोड़ दे, रिश्ता ये तोड़ दे, तेरे बिना कौन है सहारा, तेनू देख जीने आ, खाने नहीं पीने आ, तेरे बिना मेरा होना। ये देखो जसमाना की वॉइस तो बहुत ज्यादा मेलोडिक है ही, बट पीछे से तो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ना, उसकी तारीफ होनी चाहिए यहाँ पे, जो गिटार इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है भाई, क्या है ये यार। मेरा होना नहीं गुजारा, तू छत जाना है जो, फिर ना बुलाना है जो, दिल की में लगता है तेरा, तू ही तो एक यार मेरा, तू ही तो एक यार मेरा, तेनू देख। अरे रे रे रे, वो गुरी उसको खुद को उधर इमेजिन कर रहा है भाई, ये सब ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में एक एक बार हुआ होगा कि यू नो समटाइम्स तुम किसी को पसंद करते हो, देन वो जब रिलेशन में आ जाते हैं ना, तब तुमको यू नो उनकी अहमियत पता चलती बेसिकली, एंड यू नो भाई पता है तुमको, अभी ऐसे मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा भाई, ये रिएक्शन चैनल है, इधर लव गुरु चैनल नहीं है। तेनू देख जीने आ, तू ही ता एक यार मेरा, तू ही ता एक यार मेरा, तेनू देख जीने आ, देखो भाई तारीफ इस बात की भी होनी चाहिए यहाँ पे इस मूवी में। देखो पहली बार तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बैंगर मूवी होने वाली, बट बिफोर दैट मैं तुमको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे कि भाई लोग कार में घूम रहे हैं, मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, यू नो बड़ी बड़ी कार आ रही, जसमान एक बेसिकली यू नो बहुत ही यू नो रिच लेवल इनको प्रमोट करता है, तो यू ऑलरेडी नो कि भाई इनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बट यहाँ पे लाइफ स्टोरी जो दिखाई गई है वो पंजाब के दो बॉयज़ की दिखाई गई है, वो कैसे मस्ती करते हैं, तो एक्टर वहाँ पे घूम रहे हैं, यू नो बहुत नेचुरल रखा गया बहुत चीज़ों को, ठीक है, एंड सिनेमेटिक से लेकर इनकी एक्टिंग तक बहुत सही है भाई। और एक और चीज़ वो मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा, बट लेट मी यू नो फोकस ऑन द लिरिक्स टू, मैं आज पूरा खोए क्यों इस गाने के अंदर। जिंदगी च गम है, गम में ही हम है, तेरे लिए ही मैं जो सहता है, वजह भाई इसकी कनेक्टेड ही तुम देख रहे हो, यू नो कि जिंदगी में गम है और गम में ही हम है, तेरे लिए जो मैंने सहे हैं वो वाले गम बेसिकली, तो यू नो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत ही नर्सरी राइम्स होती है, बहुत ही सिंपल राइम स्कीम्स होती है इनकी कमर्शियल गानों में, तो लोग बहुत ही कमर्शियल को यू नो इनके ये वाले गाने से कंपेयर करते हैं और फिर ऐसा ऐसा, तो वो सब मत क्या करो, ठीक है, मैं तुमको एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि वो जो कमर्शियल सॉन्ग्स होते हैं वो मास पब्लिक के लिए होते हैं, ठीक है, बेसिकली अगर तुम्हें असली जसमाना देखते हैं तो तुमको प्राडा सॉन्ग चेक करना चाहिए, तुमको येला सॉन्ग चेक करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि भाई उसमें वो जिस चीज़ के लिए वेल नोन है वो वही चीजें इस सॉन्ग में कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल सॉन्ग्स उनको बनाने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज उनको एक मास तक भी पहुंचना है, उनको फैलना भी है, तो यू नो ट्रोल मत क्या करो, मैं उतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि भाई ये सॉन्ग मेरे को भी बहुत टाइम ऐसा लगता है कि यार कमर्शियल सॉन्ग्स बहुत ही सिंपल है, बट जब मैं ये सॉन्ग सुनता हूं तो मेरे को समझ में आता है वो इतना फेमस क्यों है भाई, ठीक है, तो नो सपोर्ट हिम भाई, दैट्स द थिंग। वजह तू बता दे यार, क्यों आंखें नम है, पूछता ये रहता, मजबूर करीना, कदे दूर करीना। लाइक इट भाई, इंस्ट्रूमेंटल के साथ जब अपनी वो वॉइस की पिच चेंज कर देते ना यार, शिट भाई तुम यहाँ पे देखो एंड देखना कैसा स्मूथ हो जाएगा। मजबूर करीना, कदे दूर करीना, अखियां दे अगों तेरा चेहरा, तू ही तो एक
स्टोरी भाई, जब दो लड़के एक ही लड़की के पीछे पड़ते तो भाई बहुत ही तमाशा होगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर इट भाई। जो भी है बहुत सही मूवी बनने वाली, बहुत सही गाना था। ठीक है ये, एंड या मैन भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार ना जसमाना को यू नो लव सॉन्ग्स वापस से बहुत ज़्यादा करने चाहिए। ठीक है, पता नहीं मेरे अंदर से क्यों आता है ऐसा। बहुत लोग बहुत अलग चीज़ें बिलीव करते होंगे, बट मेरे को ये हमेशा से दिखता आ रहा है ना बेसिकली, कि अगर पंजाबी इंडस्ट्री में सबसे स्वीट वॉइस किसी की है तो भाई इस बंदे की है। ठीक है, वो बस उसको सही जगह पर यूज़ करना है उसको, एंड दैट्स इट भाई। उनके बहुत अच्छे से गाने आए हुए हैं, बहुत अच्छे से गाने आ रहे हैं, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से और ज़्यादा भाई, हर फैन यही सोचता है। ठीक है, तो यू नो लेट मी नो तुम क्या सोचते इस गाने के बारे में। ठीक है, तुमको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी जैसा भी है ओपिनियन तुमको शेयर करना है, कोई नया सॉन्ग की भी सजेशन देने, तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहता है, तो जाके उधर भाई लिख डालो जो तुमको लिखना, लिख डालो। ठीक है, एंड लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, बाकी बोलने की जरूरत पड़नी चाहिए। ठीक है, बाकी मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन में, तो स्टे सेफ वेरी मच, टेक केयर एंड टाटा। सो यू कैन कीप मी इनसाइड अ पॉकेट ऑफ योर रिप जींस, holding me close until our eyes meet.